मुरैना से है, जहां नेशनल हाईवे 552 हादसों का हाईवे बनकर रह गया है। हाईवे पर जगह जगह सड़क में हुए गड्ढों में पानी भरने से पूरी सड़क उखड़ गई है। बरसात में पानी भर जाने से रोज हादसे हो रहे हैं। बाइक सवार सहित टमटम चालक भी गिर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। बुधवार को भी यहां पर 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें एम्बुलेंस सहित कई इमरजेंसी वाहन फंसे रहे। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जाम को खुलवाया गया। तो देखिए, मुरैना का नेशनल हाईवे जो कि हादसों का हाईवे बन चुका है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मनोज उपाध्याय फोन कॉल पर जुड़ गए। मनोज, लगातार मुरैना से तस्वीरें आती हैं जहां पर कभी स्कूल भवन जर्जर है तो कहीं पर सड़कें खराब है, लेकिन अब हाईवे की ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और इसकी वजह से हादसे होते हैं और ये लंबा जाम लगा हुआ है। जी प्रतिज्ञा, मैं बताना चाहूंगा, ये कोई एक नया मामला नहीं है। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया और पूरी रोड जर्जर है। पूरी जो रोड है नेशनल हाईवे 552 जो बैरियर चौराहे से चौराहा समलगढ़ और शिवपुर के लिए जोड़ती है, पूरा रोड उखड़ी पड़ी है और उसमें गहरे गड्ढे हैं जिसमें पानी भरने से कई हादसे होते हैं और पूरी रोड हादसे का वो घटनाक्रम में तब्दील हो गई है। जहाँ भी देखे तो वहाँ बाइक सवार या टमटम चालक गिर जाते हैं। तो हादसों की रोड है नेशनल हाईवे क्रमांक 552। वहीं पर कल देर शाम को जाम लगा, जो 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम था और 4 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें कई इमरजेंसी वाहन फंसे रहे। जबकि कलेक्टर ने नगर निगम को भी आदेशित किया था, लेकिन नगर निगम ने मुरम की जगह उसमें मिट्टी मिलमा गिट्टी डलवा दी, जिससे और दलदल में तब्दील हो गई, जिसमें वाहन फंसकर रह जाते। नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसकी वजह से यह लंबा जाम 3 से 4 किलोमीटर का लगा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए कि इसमें एम्बुलेंस भी फंसे हुए थे, मरीज उसमें होंगे तो उनकी हालत कैसी हो जाएगी। लगातार ऐसी तस्वीरें मुरैना से निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका।